हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो रिवीजन सीरीज में आज हम लेक्चर करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का, और मॉडर्न फिजिक्स में भी हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। इसके पहले ईएमटी कवर हो चुका है कंप्लीट, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लेक्चर आ चुका है, एक कल आएगा। इसी तरह से मैकेनिक्स का एक लेक्चर आ चुका है, एक कल आएगा। क्वांटम अभी हम कर रहे हैं मॉडर्न में, बाकी मॉडर्न में न्यूक्लियर और जो रिमेनिंग टॉपिक है स्टैटिस्टिकल और एटॉमिक। एटॉमिक शायद होना हो, न्यूक्लियर और स्टैटिस्टिकल कल करेंगे। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैकेनिकल है, वो मैकेनिक्स है वो भी कल आएगा। फिर कल कल और आएंगे, फिर 13 को अगर एक दो लेक्चर आए तो आए, एक ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आएगा जो भी इनमें से बचे, है ना। और इसके अलावा पीवाईक्यूज जो हैं उनमें कल देखते हैं, अगर मैथमेटिकल फिजिक्स के हो जाते हैं तो कल करवाएंगे, अदरवाइज जितने अब आ चुके हैं आपके पास उन्हीं से आप अपने जो सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करो। मैथमेटिकल का देखते हैं कितने लेक्चर कल करा सकते हैं पीवाईक्यूज के, तो वो कल उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कल देखते हैं वो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस जो लेक्चर के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स के जो शुरू वाले चैप्टर है, यानी कि जो है डी ब्रोगली वेव्स ले और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम, उनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो बाउंड स्टेट्स होती हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, उनसे क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, उनकी क्या शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करा जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम जो वेव फंक्शन की बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो वेव फंक्शन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या इसकी कंडीशन होनी चाहिए जो ये फुलफिल करे। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिया जाता है। तो वेव फंक्शन जो है उसके लिए डी साई अपॉन डी टी, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एवरीवेयर इन स्पेस, जबकि डी साई अपॉन डी एक्स पोजिशन के रेस्पेक्ट में वो कई कई जगह डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, पर वो टाइम के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। पोजिशन के रेस्पेक्ट में वो कहीं पर डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। दूसरा, जो ये वेव फंक्शन है ये फाइनाइट होता है, ये सिंगल वैल्यूड होता है और कंटिन्यूस एवरीवेयर, है ना। फाइनाइट, सिंगल वैल्यू एंड कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर एक जो वेव फंक्शन है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है, स्क्वायर और इंटीग्रेबल, यानी कि आप उसका स्क्वायर कर सकते हो और उसको इजीली इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या बताती है, द प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट अ पार्टिकल इन स्पेस, किसी स्पेस के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ये डिनोट करती है। इसको पी से भी लिखते हैं। वन डायमेंशनल के लिए इसको हम लिखते हैं साई कंजुगेट, ना कंजुगेट करना है फंक्शन का, साई कंजुगेट साई और डी एक्स। अगर वन डायमेंशन वाई है तो वाई और जेड है तो जेड, और ये साई कंजुगेट और साई को हम स्क्वायर करके मॉड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर थ्री डायमेंशन है तो उसके केस में हम एक्स वाई जेड की जगह वॉल्यूम लगा देते हैं, और डी टाउ किसके बराबर हो जाता है, डी एक्स डी वाई और डी जेड। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। यहाँ नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन के अंदर एक फंक्शन है उसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करा कर उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, जो भी आपको लिमिट दी हुई है या स्पेस के अंदर, और वो वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, वन आ जानी चाहिए। तो अगर वो वन आ जाती है तो वो फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज होता है, और अगर वो वैल्यू वन नहीं आती तो वो नॉर्मलाइज नहीं होता। तो यहीं से एक कंडीशन निकलती है ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन। जैसा कि हमारे पास दो वेव फंक्शन है, एक है साई एम साई एन और एक है साई एम। मैंने उनके लिए एक फंक्शन लिखा इस तरह से, साई एम कंजुगेट एक्स साई एन एक्स डी एक्स। तो यदि एम और एन इक्वल नहीं होंगे, यदि एम और एन इक्वल नहीं होंगे, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन हो गए, तो इनकी वैल्यू हो जाती है अगर जीरो, अगर जीरो तो ये कहलाता है ऑर्थोगोनल। क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल, ठीक है। और यदि एम और एन इक्वल हो जाते हैं, एम और एन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू बनेगी वन, और इसको हम कहेंगे नॉर्मलाइज। तो ऑर्थो नॉर्मल जो है वो दोनों को शो करता है, ऑर्थोगोनल को भी और नॉर्मलाइज को भी। एम और एन बराबर हो जाते हैं तो दैट इज नोन एज नॉर्मलाइज, एम और एन बराबर नहीं होते तो उसको हम कहते हैं ऑर्थो। फिर ऑपरेटर आपसे पूछ लेते हैं, ऑपरेटर जैसे पी ऑपरेटर है तो पी ऑपरेटर को लिखते हैं माइनस एच कट, माइनस आयोटा एच कट, ये एच कट लिखा हुआ है ना, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल आर। आर का मतलब है पोजिशन वेक्टर, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट डेल। डेल ऑपरेटर का मतलब डेल अपॉन डेल आर, डेल वाई, डेल एक्स, जो भी लेना है आपको। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को हम शो करते हैं वी ऑपरेटर से, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम के कैप से शो करते हैं, ये बराबर होता है पी कैप स्क्वायर। पी कैप का मतलब हो गया मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन टू एम। पी कैप जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम और डेल स्क्वायर।
एनर्जी ऑपरेटर जो है उसको हम लिखते हैं आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर उसको हम लिखते हैं माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम प्लस वी। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टाइम डिपेंडेंट फॉर टाइम इंडिपेंडेंट, तो वो श्रोडिंजर इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर साई आर टी, ये थ्री डायमेंशन की बात चल रही है। वी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, साई का मतलब है वेव फंक्शन, इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई आर टी अपॉन डेल टी, आयोटा एच कट डेल साई आर टी अपॉन डेल टी, ये है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, कौन सी है ये? ये है टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल के केस में क्या होता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाती है, उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो फ्री पार्टिकल के केस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो और फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाती है उसमें वी वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। फिर ये जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है इसके दो पार्ट बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है टाइम इंडिपेंडेंट, टी आई एस सी का मतलब है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, तो जो आर एच एस वाला पार्ट है उसको हटा दो और उसकी जगह लिख दो ई साई, जो ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इसमें आर एच एस वाला पार्ट है इसको हटा दो, रिमूव कर दो, इसकी जगह लिख दो ई साई, तो ये बन जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वही हमने किया है, उसको करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो, टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। तो टाइम डिपेंडेंट अगर आप जो जिस जैसे हमने आर एच एस को ई साई के बराबर किया, आर एच एस में लिखा हुआ था आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, तो वो भी ई साई के बराबर हुआ है ना, तो अब टाइम डिपेंडेंट वाला पार्ट निकालना है श्रोडिंजर इक्वेशन का, तो जो इक्वेशन में बोल रहा हूँ कौन सी वाली ई साई, उसको हम किसके बराबर करेंगे आयोटा एच कट डेल साई और डेल टी, और फिर इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वेव फंक्शन आएगी टाइम के फॉर्म में साई इक्वल्स टू साई नॉट एक्स e पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई टी, ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट भी आप इसको बोल सकते हो। फिर एक ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, यदि आप ए डैगर को ए लिख रहे हैं है ना, ये खुद का एडजॉइंट भी होता है, ये जो ए डैगर है इस ए डैगर को बोलते हैं एडजॉइंट, क्या बोलते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट। तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो सेल्फ एडजॉइंट फंक्शन होता है, मतलब वो खुद का ही एडजॉइंट होता है, ये है डैगर, डैगर का मतलब होता है, डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले ट्रांसपोज करो फिर कंजुगेट करो, कंजुगेट भी कर सकते हो ट्रांसपोज भी कर सकते हो। हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज होती है कि इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होती है, रियल होती है। दूसरा, इसकी जो आइगन फंक्शन है, अलग अलग आइगन वैल्यू से रिलेटेड जो आइगन फंक्शन होते हैं इसके, वो ऑर्थोगोनल होते हैं, अलग अलग आइगन वैल्यू से रिलेटेड जो इसके आइगन फंक्शंस होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब उनको इंटीग्रेट करोगे किसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर तो वो वैल्यू क्या दे देंगे, जीरो। जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटम मैकेनिक्स होते हैं, फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशियन ऑपरेटर, मतलब जितने भी फिजिकल जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर होते हैं जैसे कि मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वो सारे क्या होते हैं, हर्मिशियन। मैंने एग्जांपल में भी लिखा है, जैसे मोमेंटम है वो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, डी टू अपॉन डी एक्स टू वो भी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, आयोटा डी अपॉन डी एक्स हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप डी अपॉन डी एक्स करेंगे डैगर, डी अपॉन डी एक्स का डैगर करोगे तो ये वैल्यू देगा माइनस डी अपॉन डी एक्स ना, यही वैल्यू क्या देगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स। फिर एक होता है यूनिटरी ऑपरेटर, ये आपने मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ा है, यूनिटरी में क्या होता है, ए डैगर इक्वल्स टू क्या बनता है, माइनस ए इनवर्स, ए डैगर इक्वल्स टू क्या बनता है, ए इनवर्स। फिर हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम किसी भी ऑपरेटर के निकाल सकते हैं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में लेट सपोज ए कोई ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रेंज में साई कंजुगेट, जो ऑपरेटर का हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है उसको हम यहां लिख देंगे, फिर साई और डी एक्स अपॉन नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज करके चेक करना है, अगर वो नॉर्मलाइज है तो नीचे की वैल्यू वन है, और नहीं है तो फिर आपको नीचे से उसको नीचे वाले में भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट
साई कंजुगेट साई dx, अगर ये नॉर्मलाइज होता तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी, है ना। और नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यदि आप इसको ब्रैकेट नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ब्रा साई ए ऑपरेटर फिर कैट और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन को ब्रैकेट नोटेशन में इस तरह से लिखा जाता है, नॉर्मलाइजेशन को ब्रैकेट नोटेशन में इस तरह से लिखा जाता है। लीनियरिटी का रिलेशन क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स। हमारे पास कोई मैकेनिकल स्टेट है साई, तो उसको हम अलग अलग आइगन फंक्शंस, उसके आइगन फंक्शन है साई फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री, इस तरह से उसके आइगन फंक्शन है, तो उस मैकेनिकल स्टेट को हम लिख सकते हैं सी वन फाइव वन सी टू फाइव टू सी थ्री फाइव थ्री, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। ये फाइव वन जो है कैट नोटेशन में लिखा हुआ है, ये जो ऐसा निशान लगा हुआ है ना ऐसे, तो ये कैट नोटेशन है कैट, और अगर ये ऐसे है तो ये होता है ब्रा नोटेशन। तो हमने कैट नोटेशन में लिखा हुआ है सी वन सी टू सी थ्री एंड ये क्या है कॉन्स्टेंट्स। तो यहां से दो तीन चीजें निकलती है जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो स्टेट है ये नॉर्मलाइज होगी, ये जो आइगन स्टेट है ये नॉर्मलाइज होगी यदि ये जो कॉन्स्टेंट्स है C1, C2 और C3 इनके स्क्वायर करते जाओ और इन सभी का एल्जेब्रिक समेशन 1 के इक्वल हो जाए तो ये क्या होंगी नॉर्मलाइज। प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट अ पार्टिकल इन अ गिवन स्टेट, साई वन स्टेट में मान लो आपको निकालना है तो फाई वन स्टेट में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी C1 स्क्वायर, मतलब जो उसका मल्टीपल है उसका स्क्वायर कर दो एम्पलीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड, तो उसको हम डिनोट करेंगे P1 से, P1 इक्वल्स टू C1 स्क्वायर, इसी तरह से P2 इक्वल्स टू C2 स्क्वायर, इसी तरह से P3 इक्वल्स टू C3 स्क्वायर। तो ये जो लिखा हुआ है ये C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ये एक तरह से लिखा हुआ है P1 प्लस P2 प्लस P3, और क्योंकि आपको पता है टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है तो वही चीज लिखी हुई है। और यदि हम इसको उसमें लिखना चाहते हैं ब्रैकेट नोटेशन में, तो ब्रैकेट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, फाई वन, ये प्रोबेबिलिटी को लिखना बता रहा हूं मैं आपको, फाई वन मतलब जिस स्टेट में आपको निकालनी है, जिस फंक्शन में आपको निकालनी है, और स्टेट कौन सी है साई, तो फाई वन साई, और इसका क्या करना है स्क्वायर। अगर आपको 2 में निकालना होता तो उसको लिखने का तरीका होता फाई टू साई, अगर आपको 3 में निकालना होता तो फाई थ्री। मान लो आपको एक इक्वेशन बना के दे दी ऐसे साई इक्वल्स टू 2/5 या अंडर रूट 2/5 फाई वन प्लस अंडर रूट 3/5 फाई टू, ऐसे इक्वेशन बना के दे दी और आपको कहा कि एनर्जी E1 की वैल्यू है लेट सपोज 2 है और E2 की वैल्यू है 3 है, तो आपसे पूछा कि टोटल एनर्जी बताओ, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा P1 E1 प्लस E2 E2 E2। P1 कैसे निकालोगे, ये बन गया C1, ये बन गया C1 और C1 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो बन जाएगा P1 और ये बन गया क्या P2, तो वो जो C2 है उसका स्क्वायर करना है, तो P1 की वैल्यू यहां से निकाल लो, P2 की वैल्यू यहां से निकाल लो, E1 E2 आपको गिवन होंगे, यहां पर वैल्यू डालनी है और E की वैल्यू निकाल, फिर एक फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J से शो करते हैं, कई जगह ये S से भी शो करते हैं किसी जगह, तो ये फॉर्मूला -iHcut/2m साई कंजुगेट डेल साई, डेल साई का मतलब है डिफरेंशिएशन हो रहा है जो भी डायरेक्शन दिए उसके रिस्पेक्ट में, फिर साई और डेल जो कंजुगेट जो आपने निकाला उसका डिफरेंशिएशन, अगर माइनस को अंदर ले जाते हो तो फिर इसमें इंटरचेंज भी हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला तैयार। एक इक्वेशन लिखी जाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ जे, डाइवर्जेंस ऑफ जे, जे मतलब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू जीरो, प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, फिर बाउंड स्टेट कंडीशंस बनती है कुछ, उनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो बता देता हूँ। बाउंड स्टेट कंडीशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, तो वन डायमेंशन बॉक्स की जो बाउंड्री कंडीशंस होती है वो पूछ ली जाती, तो इसके लिए क्या होता है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू बॉक्स के अंदर जीरो, पोटेंशियल की वैल्यू बॉक्स के अंदर जीरो होती है, बॉक्स की जो बॉल है उनके ऊपर पोटेंशियल होता है इनफाइनाइट, बॉक्स की जो बॉल है उनके ऊपर पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, बॉक्स के बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल एक्स इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू ए पर कितनी होनी चाहिए, जीरो, एक्स इक्वल्स टू ए और जीरो, ए कौन सी कंडीशन हो गई ये वाली और जीरो कौन सी कंडीशन हो गई ये वाली, तो इन दोनों के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट पार्टिकल क्या रहेगा, जीरो। जो साई एक्स है यानी कि वेव फंक्शन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एक्स बराबर जीरो पर एक्स बराबर, जब इसके लिए हम सॉल्व करते हैं तो हमें वेव फंक्शन मिलता है अंडर रूट टू अपॉन ए, अंडर रूट टू अपॉन ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, है ना, अंडर रूट टू अपॉन ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए, ध्यान रहे यहाँ एन जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट होगा तो ये यहाँ पर इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो 0 हो जाएगी,
इसका मतलब वो पार्टिकल कभी मोशन की स्टेट में ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हमेशा कैसे स्टार्ट होगी, वन से स्टार्ट होगी। फिर इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू निकलती है, वो एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला बनता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो ई एन है वो जो उसकी स्टेट है, कौन सी स्टेट में है वो उसके स्क्वायर के प्रपोर्शन है ना, और जो बॉक्स की लेंथ है विड्थ है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रपोर्शन। तो एन बराबर वन को हम यहाँ पर कहेंगे ग्राउंड स्टेट, एन बराबर टू को हम यहाँ पर कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन बराबर थ्री को हम यहाँ पर कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब आगे चलते हैं, n बराबर 1 इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, n बराबर 2 इज नोन एज सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। फिर हम निकालते हैं मोमेंटम आइगन वैल्यू। तो मोमेंटम को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एनर्जी E जो है वो किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। तो वही फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, मोमेंटम। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या बनेगी, एन पाई एच कट अपॉन ए। प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि आपको इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस एन पाई एच कट ओवर। फिर जो ये पोटेंशियल बॉक्स है, कौन सा बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स। इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो पोजीशन है, उस पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह लो या एवरेज वैल्यू कह लो, वो कितनी होती है, ए बाई टू। ए का मतलब है विड्थ ऑफ बॉक्स, तो वो कितनी होती है, ए बाई टू। और जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर या उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है एन माइनस वन। नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू होती है एन माइनस वन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को छोड़ के। इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है, एक्स बराबर जीरो। फाइनल पोजीशन कितनी होती है, एक्स बराबर इनफाइनाइट, मत एक्स बराबर ए फाइनल पोजीशन होती है। मेरा कहने का मतलब है यदि आपने एन बराबर वन रखा, एन बराबर वन रखा तो उस केस में नंबर ऑफ नोड्स जो आएंगे वो आएंगे जीरो, यानी कि पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन पर तो आएंगे ही आएंगे, बीच में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो कितना आएंगे, जीरो। तो एन बराबर वन के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, दो दो हो जाएंगे। कौन कौन से, एक पहला और एक आखिर। अगर आप रखते हो एन बराबर दो, एन बराबर दो रखोगे तो नंबर ऑफ नोड्स एक आएगा बीच में, बीच में आएगा, यानी कि जो वेव बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। नोड का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए, तो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स है उसको किस तरह से निकालोगे, जो स्टेट्स है उसकी वैल्यू में से माइनस वन कर दोगे तो वो नंबर ऑफ नोड्स बता देंगे बीच में, दोनों जो बॉल्स है उनके बीच में। फिर इसी तरह से एक बनता है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल सिमेट्रिकल पोटेंशियल वेल। तो इसमें चेंज क्या होता है कि जो हमने वहां पर जीरो और ए कंडीशन ली थी, यहां पर हमने पोटेंशियल को बीच में से काउंट करना स्टार्ट किया, तो दोनों तरफ हमारे पास बॉल्स बन गई माइनस ए बाई टू पर और ए बाई टू। वहां पर जीरो पर पोटेंशियल इनफाइनाइट था, यहाँ पर माइनस ए बाई टू पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। वहां पर ए पर पोटेंशियल इनफाइनाइट था, यहाँ पर प्लस ए बाई टू पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। और फिर जो बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या हो गई, वहां जीरो से ए के बीच में जीरो था, यहाँ पर क्या हो गया माइनस ए बाई टू से ए बाई टू के बीच में जीरो है, और उसके अलावा हर जगह क्या है, इनफाइनाइट। फिर यहाँ पर जो जो हमारे पास वेव फंक्शन बनती है, वहां तो क्या बनी थी फंक्शन, जो वेव की फंक्शन हमारे पास बनी थी वो बनी थी अंडर रूट टू अपॉन एल या अंडर रूट टू अपॉन ए साइन एन पाई एक्स ओवर ए। यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, एक बार ऑड की और एक बार इवन की। ऑड की कंडीशन में यहाँ पर बनेगा एन पाई एक्स ओवर ए, और इवन की कंडीशन में यहाँ पर बनेगा एन पाई एक्स ओवर ए। ए और बी कॉन्स्टेंट। ऑड के लिए यहाँ पर बनेगा एन पाई एक्स ओवर ए कॉस में, और इवन के लिए यहाँ पर बनेगा एन पाई एक्स ओवर ए इसमें साइन में। एनर्जी आइगन वैल्यू सेम आएगी, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर हम बात कर लेते हैं थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो थ्री डायमेंशन में क्या चेंज होंगे, एक बार एक्स में निकाल लो, एक बार वाई में निकाल लो, और एक बार जेड में। अगर आप एक्स में निकालते हैं तो इक्वेशन बनेगी अंडर रूट टू अपॉन ए साइन एन एक्स पाई ओवर ए। बी वाई डायरेक्शन में मान लो कि बॉक्स की जो डिस्टेंस है वो है बी, तो वो हो जाएगा अंडर रूट टू अपॉन बी साइन एन वाई पाई अपॉन बी। इसी तरह से मान लो जेड में कितना हो गया सी, तो अंडर रूट टू अपॉन सी साइन एन जेड पाई अपॉन सी, है ना सी। तो ये ए बी सी करो, यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया ए बी सी। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो रिजल्टेंट जो वेव इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अंडर रूट एट, अंडर रूट एट अपॉन ए बी सी साइन एन एक्स पाई ओवर ए साइन एन वाई पाई ओवर ए साइन एन जेड पाई ओवर सी। और जो एनर्जी आइगन वैल्यू है जो अभी तक बन रही थी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, वो तीनों के लिए अलग अलग बनेगी, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा।
ऐड करोगे तो क्या बनेगा, y स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m nx अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस ny अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस nz अपॉन c का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी जो ग्राउंड स्टेट है वो 1 से स्टार्ट होगी, 0 से नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप nx ny nz की वैल्यू 0 डालोगे तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट nx 1 1 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहां पर तीन कंडीशन बन सकती है ना, यानी कि जो एनर्जी की वैल्यू है 2 1 1 रखोगे तो भी सेम आएगी, 1 2 1 रखोगे तो भी सेम आएगी, 1 1 2 रखोगे तो भी सेम आएगी। तो अगर अलग अलग स्टेट्स रखने पे भी, यानी कि n की अलग अलग वैल्यू होने पर भी एनर्जी की हमें सेम वैल्यू मिले, n की अलग अलग वैल्यू होने पर भी एनर्जी की हमें सेम वैल्यू मिले तो उसको हम कहते हैं डीजनरेसी, है ना। तो यहां पर जैसे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डीजनरेसी है नहीं है, सेकेंड एक्साइट जो सॉरी ग्राउंड स्टेट है उसमें डीजनरेसी है नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में डीजनरेसी कितनी दिख रही है, 3। कैसे, एक बार ये वैल्यू रखो तो एनर्जी की वैल्यू, ये रखोगे तो भी एनर्जी की वैल्यू सेम, और ये रखोगे तो भी एनर्जी की वैल्यू सेम, यानी कि इन तीनों के लिए एनर्जी की वैल्यू सेम मिल रही है, तो डीजनरेसी कितनी होगी, 3 होगी। इसी तरह से आप बाकी पर चेक, बाकी का भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि रेक्टेंगल की जगह क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है, तो उसमें ए बी और सी इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, तो वो नीचे से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, और ये रह जाएगा nx स्क्वायर ny स्क्वायर और nz स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही सेम है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड, फोर्थ, ये आप निकाल सकते हैं। मोमेंटम अगर यहाँ पर निकालना है तो मोमेंटम वहां पर था पाई एच एन पाई एच कट ओवर ए, यहाँ पर हो जाएगा पाई एच कट ए और nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर की पावर हाफ, की पावर हाफ। यहाँ पर वो स्क्वायर था वो तो सिंगल था, तो उसके हाफ एन स्क्वायर का की पावर हाफ थी, वो तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर तीन है, एनएक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पूरे की पावर हाफ है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए तो वैल्यू होगी तो सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। अब थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन सा है, थ्री डायमेंशनल। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जो हम एनर्जी आइगन वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे एनएक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, वाई में एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, जेड में एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा जेड। और पूरे के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू लिखनी है तो कंबाइंड करना पड़ेगा, कंबाइंड करना पड़ेगा तो एच कट आ गया कॉमन, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो एन एक्स प्लस हाफ ओमेगा एक्स एन वाई प्लस हाफ ओमेगा वाई एन जेड प्लस हाफ ओमेगा। आइसोट्रॉपिक अगर ऑसिलेटर है, आइसोट्रॉपिक मतलब सभी डायरेक्शन में सेम, तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड सेम, तो ओमेगा कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा एच कट ओमेगा, तो अंदर क्या रह जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। यदि मैं nx plus ny plus nz को n मान लेता हूँ तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी, n plus 3/2 h cut omega। हार्मोनिक ऑसिलेटर चाहे वन डायमेंशनल हो, चाहे थ्री डायमेंशनल हो, चाहे टू डायमेंशनल हो, उसमें n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो, तो जीरो वन टू थ्री एन फोर। अच्छा, ये अगर ऑसिलेटर टू डायमेंशनल होता, मान लो मैं कह दूँ ये टू डायमेंशनल है, तो अगर एक्स वाई में है तो यहाँ पर लिखा जाता x y, है ना, x और y। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग फिर ये इक्वेशन चेंज होती, x और y कंसीडर करते हैं आप, और अगर मैं कहता y z तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन। ग्राउंड लेवल में क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होंगे तो जीरो रखोगे तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जो एनर्जी आएगी वो जीरो नहीं होगी, उसकी वैल्यू आएगी 3/2 h कट ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी, इसके लिए थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 0 0 0, फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0 0 0 1, यानी कि इन तीनों के लिए एनर्जी की सेम वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ डी जनरेसी कितनी होगी, 3। इसी तरह से सेकंड स्टेट में आप देखोगे डी जनरेसी कितनी दिखा रखी है, 6। तो पी किसको डिनोट कर रहा है, डी जनरेसी को। तो थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में डी जनरेसी निकालने का फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू 1/2 एन प्लस 1 एन प्लस 2। जैसे कि ग्राउंड स्टेट है, एन बराबर 0 डाल दो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो डी जनरेसी कितनी है 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन बराबर 1 डाल दो तो ये कितना हो गया 2, और ये हो गया 3, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 3। सेकेंड स्टेट के लिए n बराबर कितना डाल दो, 2 2 और 1 3, और ये 2 और 2 4, तो 2 2 4 3 2 6, तो ये आंसर आ गया। तो डी जनरेसी थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का निकालने का फॉर्मूला 1/2 एन प्लस 1 एन प्लस 2। फिर आता है वन डायमेंशनल, इसकी आइगन वैल्यू वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल के केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो केवल एक ही डायरेक्शन है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वन एन
प्लस वन बाई टू एच कट ओमेगा, एन की वैल्यू वही जीरो से स्टार्ट होनी है, एन बराबर जीरो पर अब जो एनर्जी होगी एच कट ओमेगा बाई टू, तो ये कहलाएगी जीरो पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ये किसके बराबर होगा एच न्यू बाई टू। अब कुछ वन लाइनर्स है जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें से वन लाइनर जो निकल सकते हैं निकलते हैं वो बता रहा हूँ डायरेक्ट, इनको याद कर लेना। पहला है कि एक फ्री पार्टिकल है, एक फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी है वो डेफिनेट होती है और उसका मोमेंटम भी डेफिनेट। फ्री पार्टिकल हैज डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। एक वेव फंक्शन की जो स्टेशनरी स्टेट होती है, वेव फंक्शन की जो स्टेशनरी स्टेट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट होती है। वेव फंक्शन की स्टेशनरी स्टेट के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट होती है। किसी मूविंग पार्टिकल के लिए उसकी जो श्रोडिंजर इक्वेशन है, मूविंग पार्टिकल के लिए उसकी जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो टाइम का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है, फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव। ठीक, यदि कोई पार्टिकल है ना, फिनोमेना ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ पार्टिकल थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर, थ्रू अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ फाइनाइट विड्थ एंड हाइट कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। मतलब एक ये पोटेंशियल बैरियर है और आपको अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास कराना है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम है और ये पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा है, तो अब ये इसको कूद कर तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या करता है एक टनल बनाता है जहां से इसको निकाला, उसको कहते हैं मैकेनिकल टनलिंग, जिसको अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा डिके के लिए हम यूज भी करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ते भी हो। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें एक पार्टिकल को एक फाइनाइट विड्थ के और हाइट के पोटेंशियल बैरियर से ट्रांसमिट यानी कि पास कराया जाता है उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनल। एक पार्टिकल जो वन डायमेंशनल बॉक्स जिसकी लेंथ एल है, एल के अलावा कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर है, तो उसके लिए जो उसकी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो जीरो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट करके दो चीजें होती है, वो मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा है सौदा, तो वो इतना ज्यादा डेप्थ में तो जाने का मतलब है नहीं। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट की एक चीज होती है, तो रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट एंड इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल स्टेप, इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल स्टेप विद एनर्जी ई, जब एनर्जी जो पार्टिकल जो इंसिडेंट कर रहा है उसकी एनर्जी लेस देन हो एच से, जो हाइट है स्टेप की, स्टेप की हाइट से कम हो, तो जो रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट है उसकी वैल्यू होती है वन, ये ध्यान रखना। और जब वो एनर्जी जो ज्यादा है इससे हाइट से, हाइट ऑफ पोटेंशियल स्टेप, तो उस केस में रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट की वैल्यू का सम वन के इक्वल होता है, तो उस केस में आर प्लस टी कितना होता है, ठीक है। और जब ई लेस देन एच है तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। आर की वैल्यू वन है तो ऑब्वियसली बात है टी की वैल्यू कितनी हो जाती है। तो ये था क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने केवल और केवल जो वेव फंक्शन वाली चीजें हैं वो डिस्कस की है। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम न्यूक्लियर डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर के साथ साथ वो जो पहले वाला पार्ट है जिसमें हम डी ब्रोगलीज और एक्सरेज, कॉम्पटन इफेक्ट ये पढ़ते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर टाइम मिला तो एक लेक्चर के अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एटॉमिक को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।